हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी कुछ करने के लिए। तो आपको बड़े बड़े लोगों की कहानी हर कोई बता देता है, लेकिन आम आदमी की जो कहानी होती है वो कोई नहीं बताता। इसका रीजन ये होता है कि आम आदमी पर किसी का ध्यान नहीं होता, आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूं जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। तो साथियों, किसी ने ठीक कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। तो साथियों, ये बात जो मैंने अभी आपको बताई ये बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर हौसला होना चाहिए। पंख होने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले आदमी अपने हौसले से जीतता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ, और माँ बाप का साया जब छूट जाता है, माँ बाप का साया उड़ जाता है, तो किस तरह की मुसीबतें सहन करनी पड़ती है इससे अच्छी तरह कोई हमें नहीं बता सकता। तो साथियों, बचपन में ही माँ बाप का साया उठने के बाद कैसी कैसी मुसीबतें सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का उन लोगों से अच्छी तरह हमें कोई नहीं बता सकता। मैं आज ऐसे ही शख्स की बात कर रहा हूं जो मेरा करीबी मित्र भी है। इनका नाम है अनिल कुमार। बचपन में ही माँ बाप का साया उठने के बाद बड़े भाई ने मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ाया, खुद भी खाली समय में भाई का हाथ बटाते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में कुछ टाइम टीचिंग भी करी, JBT ग्रेजुएशन, STAT, CTAT क्वालिफाइड हैं अनिल जी। मैं आपको बता देता हूँ, JBT भी कर रखी है, ग्रेजुएशन भी कर रखी है, STAT भी, CTAT भी इन्होंने कर रखा है, और अभी हाल ही में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो साथियों, अभी हाल ही में हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, तो इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनसे मेरी बात हुई थी। तो इस जॉब का महत्व इनसे अच्छी तरह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन हालातों से गुजरने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। हालांकि इनसे जो मेरी बात हुई है, इन्होंने कहा है कि ये अभी स्टार्टिंग है, मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन मेरे हालातों के अनुसार ये एक बहुत बड़ा लेवल है, मुझे इससे बहुत आगे जाना है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मुझे एक आधार मिल गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। हालांकि हरियाणा पुलिस और DSSB, MCD, KVS इनमें भी इनके सिलेक्शन होने के काफी चांसेस हैं। आपको बता देता हूं, हरियाणा पुलिस में भी इनके सिलेक्शन के चांसेस हैं, DSSB है उसमें भी, KVS में भी। तो साथियों, यह अभी इनकी स्टार्टिंग है। इस जॉब के लिए अनिल जी ने हरियाणा के प्रशासन को धन्यवाद दिया है, दिल से धन्यवाद दिया है, और हम लोगों को भी हरियाणा में जो अब की बार अच्छा काम हुआ है उसके लिए प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, वो लोग जल्दी से नौकरी नहीं पा सकते। लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट ने अब की बार इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अनिल जी जैसे लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ने के जो मन में ठान लेते हैं वो कभी रुकते नहीं है। तो साथियों, इतनी मजबूरी के बाद भी अगर कुछ कोई आदमी कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। तो अपने हौसलों में उड़ान भर लो अगर आपको कुछ करना है। ये नहीं कि एक महीने की तैयारी में आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं, आप पहले ही तैयारी करें। कोई भी चीज आपके
आपसे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। सिर्फ अपने मन में ये ठानना है कि मुझे करना है। अगर आपके मन में पहले ये बात बैठ गई कि आप नहीं कर सकते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कुछ नहीं करा सकती। मैं आपको बता देता हूं, आदमी अगर दूसरों की नजरों में एक बार गिर जाए तो उठ सकता है। अपनी नजर में अगर गिर गया, उसने सोच लिया कि नहीं कर सकता कुछ, तो दुनिया की कोई ताकत उससे कुछ नहीं करा सकती। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप इन साथियों की कहानियों को जरूर शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लोगों की कहानी आपको कोई नहीं बताता। लेकिन जो मैंने देखा, कि मुझे लगा कि मैं आप लोगों को इस कहानी के जरिए इंस्पायर करूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।